हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। कल हमने किया था सिस्टमेटिक अप्रोच, अब हम रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ब्रांचेस हमें ज्योग्राफी में मिलती है देखते हैं। फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं रीजनल स्टडीज एंड एरिया स्टडीज। दैट मीन्स रीजनल अप्रोच के अंदर हम किस तरह से इसको डिवाइड करते हैं ज्योग्राफी को कि मैक्रो, मेसो और माइक्रो, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़े छोटे यूनिट को रीजनल रीजन वाइज डिवाइड करेंगे और उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फिर रीजनल प्लानिंग करते हैं जिसमें कंट्री, रूरल है, टाउन है, अर्बन एरिया है, ठीक है, तो किस तरह से उसको लेंगे ये हम उसकी प्लानिंग करते हैं। फिर रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, रीजनल एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए हम दो तरह से बात सोचते हैं, एक तो फिलॉसफी, यानी कि उसको पहले सोचना, समझना, उसके बारे में विचार करना, ज्योग्राफिकल थॉट्स उसके अंदर लेके आना, किस तरह से लैंड के साथ ह्यूमन इंट्रैक्शन कर रहा है और उसका ह्यूमन इकोलॉजी पे क्या असर पड़ रहा है, दोनों मिला के लैंड और ह्यूमन बींग आपस में मिलके किस तरह से इकोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। मेथड और टेक्निक कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कार्टोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर को यूज़ किया जा सकता है डाटा इकट्ठा करने के लिए। फील्ड सर्वे, जाके हम पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर वहाँ सर्वे किया जा सकता है, ठीक है। GIS वगैरह, जियो इन्फॉर्मेटिक कंप्यूटराइजिंग टेक्निक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से है ये सिंपल रीजनल के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग इसको देखा जा सकता है। तो द अबव क्लासिफिकेशन गिव्स अ कंप्रेहेंसिव फॉर्मेट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। जनरली ज्योग्राफर कैरिकुला इज टॉट एंड लर्न इन दिस फॉर्म, बट दिस फॉर्मेट इज नॉट स्टेटिक। एनी डिसिप्लिन इज फाउंड टू ग्रो विद न्यू आइडियाज, प्रॉब्लम्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। जब से ज्योग्राफी को हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, बहुत सी नई टेक्निक आना स्टार्ट हुई है, नई नई चीज़ें बनना स्टार्ट हुई है, उन नई चीज़ों से, उन नई टेक्निक्स के थ्रू, नए इक्विपमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जब कोई नई चीज़ हमें मिल जाती है तो पुरानी चीज़ की जगह या पुरानी टेक्निक की जगह हम उस नई टेक्निक को यूज़ करना शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि मैनुअली कार्टोग्राफी होती थी पहले, हाथ से मानचित्र बनाए जाते थे, मैप्स बनाए जाते थे, बट अब ये क्या होगा, ट्रांसफ़र हो गया कंप्यूटर कार्टोग्राफी के अंदर, कंप्यूटराइज मैप हमें मिलने लगे, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मिलने लगे। टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड स्कॉलर्स टू हैंडल लार्ज क्वांटम ऑफ डाटा। अब कंप्यूटर आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, तो ह्यूमन अकेला इतने डाटा को कलेक्ट करके और उसको रख नहीं पाता था, अब हम यहाँ पे बहुत सा डाटा उसको रख सकते हैं। इंटरनेट जो है हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, हमारी कैपेसिटी बढ़ा देता है, हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने आप को, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ किया जा सकता है, अपने डाटा को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगहों का डाटा हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। GIS और GPS जो है हमें लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पिन पॉइंट तक हमें बिल्कुल एक्यूरेट हमें लोकेशन के बारे में बताएगा, तो ये सब चीज़ें हमारे नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के काम आती है। ओके, टेक्नोलॉजीज हैव इन्हेंस्ड द कैपेसिटी टू अटेम्प्टिंग सिंथेसिस विद साउंड थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो टेक्नोलॉजी ने आज ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए बना दिया है, हम आराम से उसको सिंथेसिस कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है, प्लस उनको कलेक्टिव रूप में हम देख सकते हैं। हमने अलग अलग डाटा लिया था, हमने मान लीजिए लैंड का डाटा लिया, फिर हमने वहाँ पे उसी एरिया के अंदर ह्यूमन का डाटा लिया, लैंड फॉर्म्स को लिखा, उसके अंदर जो चेंजेस आए पिछले 20 सालों में उनको एक बार सर हमने मिला के देखा, फिर वहाँ के कारण देखे कि ये रिलेशन कैसे बने, क्यों चेंजेस आए, क्या कुछ है, तो ये सारा कुछ जो है जो हमने किया है ये सब कुछ हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत इजीली हम उसको चेंज करके देख सकते हैं। अब बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि हमारा जो फर्स्ट ई बुक है फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है,
तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। सबसे पहले हमारा टाइटल ही है हमारी बुक का कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। द कंटेंट ऑफ द बुक क्लियरली रिफ्लेक्ट इस स्कोप। जो कंटेंट हैं बुक के अंदर वो हमें सारी की सारी चीज़ें बताते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है इस फिजिकल ज्योग्राफी की, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रांचेस हैं हमारे रीजनल बेसिस पे, हम पर एरिया वाइज स्टडी कर सकते हैं, रीजन का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी की जो बात कर रहे थे कि इसकी स्टडी करना क्या ज़रूरत है, हमें फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस बुक के अंदर। लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर के अंदर क्या इंक्लूड होगा, लैंड फॉर्म्स इंक्लूड होंगी, ड्रेनेज सिस्टम इंक्लूड होगा, रिलीफ फीचर्स होंगे, फिजियोग्राफी होगी, कैसे वहाँ की शेप्स जो लैंड की बनी है वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। एटमोसफेयर के अंदर हम उसका कंपोजिशन देखेंगे, किस किस गैसेस से वो बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका एलिमेंट्स क्या हैं, किस तरह से वेदर कंट्रोल किया जा सकता है या क्लाइमेट को कंट्रोल होता है, या क्लाइमेट और वेदर के ऊपर किन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर कैसे चेंज होते हैं, विंड का प्रेशर जो है वो किस तरह से चेंज होता है, विंड प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम एटमोसफेयर टॉपिक के अंदर आएगा हमारा। हाइड्रोस्फीयर के अंदर हम ओशियंस की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, उनकी गहराई की बात करते हैं, उनके अंदर जो वेव्स होती हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, लेक्स की बात करते हैं, जितनी भी लैंड फॉर्म्स लैंड पे चाहे लेक कहीं पे भी हो वो लेक्स की बात करेंगे, और उसके साथ जो फीचर्स जुड़े हुए हैं वाटर रिलीम के, उसके अंदर एक जो क्रिएचर्स वगैरह हैं उन सब की हम देखते हैं उसके कहाँ कहाँ पर कैसे हैं। फिर बायोस्फीयर की बात करते हैं इसके अंदर कि लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड द मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर सस्टेनिंग मैकेनिज्म, जो फूड चेन है, इकोलॉजी पैरामीटर है, इकोलॉजिकल बैलेंस है। तो ये चार हमारे मेन स्फेयर्स हैं, इनकी हम बात करते हैं। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी में सॉइल्स जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, सॉइल के ऊपर, सॉइल से हम एग्रीकल्चर करते हैं, काम करते हैं, खेती लेते हैं, और विदाउट सॉइल तो कुछ ग्रो हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होगा तो हम जितनी भी हमारा बॉटनिकल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, जितना भी हमारे अगर पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो हम ना सांस लेने जैसे रहेंगे, ना फिर हम उस पर हम भी जी सकें, हमारी लाइफ ही उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सोइल आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस एंड डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट रॉक। सोइल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पेडोजेनेसिस कहते हैं सोइल से रिलेटेड साइंस को या उसे स्टडी करने को, और ये डिपेंड है अपने पेरेंट रॉक के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर किस तरह से होती है, और उसको कितना टाइम मिला है। टाइम जो है वो मैच्योर सोइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितने सालों से वो सोइल डेवलप हो रही है, हज़ारों साल से है, लाख साल से है, कितने सालों से हुआ है, तो ये डिपेंड करेगा, और ये सारे कुछ सोइल प्रोफाइल से हमें पता लगता है। ईच एलिमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, जितने भी फिजिकल ज्योग्राफी के है वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। कैसे कि लैंड फॉर्म जो होती है वो हमें बेस प्रोवाइड कराती है हमारी एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है, लोकेशन वाइज हमें बताती है, प्लेन एरिया हमें एग्रीकल्चर करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए जगह प्रदान करता है, प्लेट्यू एरिया हमें फॉरेस्ट और मिनरल प्रोवाइड कराता है, माउंटेनस एरिया जो है हमें पास्चर्स, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट्स एंड दूसरे रिसोर्सेज लाइक रिवर वगैरह और वाटर वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस जो होता है वो हमारे हाउसेस के ऊपर असर डालते हैं, उनकी शेप के ऊपर असर डालता है, हाउसेस के टाइप अलग अलग टाइप से हो जाते हैं, हमारी क्लोथिंग चेंज हो जाती है, हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। तो क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, लाइफ स्टॉक, फार्मिंग एंड सम इंडस्ट्रीज, इस तरह से क्लाइमेट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ह्यूमन बींग हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विच मॉडिफाई क्लाइमेटिक एलिमेंट इन ए रेस्ट्रिक्टेड स्पेस सच एज एयर कंडीशनर एंड कूलर्स। कुछ जगह पे जो
इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी बना के नई चीज़ें बना दी, वो क्या कर रही हैं, वो हमारे क्लाइमेट को भी मॉडिफाई करता है। अब पहले प्रकृति का, नेचर का ह्यूमन बीइंग के ऊपर असर था, अब ह्यूमन बीइंग का नेचर के ऊपर असर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इंश्योर द डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड क्वान्टिटी ऑफ, कितनी क्वालिटी और क्वान्टिटी का ग्रास लैंड होगा वहाँ पर। इंडिया जो है मानसून और रेनफॉल सेट के अंदर है, मानसून और रेनफॉल सेट्स द एग्रीकल्चर रिदम ऑफ इन मोशन, प्रेसिपिटेशन रिचार्ज द ग्राउंड वाटर एक्विफायर विच लेटर प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज़। तो इंडियन मानसून रेनफॉल जो है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी ज़रूरी है, हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी ज़रूरी है, हमारे एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, जितनी भी लेक्स में मछलियाँ हैं, जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए भी ज़रूरी है। वी स्टडी द ओशन विच आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, भरे पड़े हैं खजाने से वो नेचुरल रिसोर्सेज से, बिसाइड द फिश एंड अदर सी फूड। ओशन आर रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज, खाली सी फूड और मछलियाँ नहीं मिलती, वहाँ से खूब से मिनरल रिसोर्सेज भी मिलती हैं। इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि कैसे वो मैगनीज ओर से या मैगनीज नोड्यूल्स को वहाँ से ऑर्सेनिक बेड से निकाल सके, तो निकालता है इसके अंदर। सोइल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन ये रिन्यूएबल का मतलब हज़ारों लाखों साल लगते हैं, इसको इतना जल्दी नहीं बनता। विच इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब खूब सारी चीज़ें हैं जो सॉइल को डिग्रेड करती जा रही हैं एग्रीकल्चर के साथ में। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ बोथ नेचुरली डिटरमाइंड एंड कल्चरली इंड्यूस्ड, नेचर के ऊपर ही फर्टिलिटी डिपेंड करती है, नहीं तो हम उसको बनाए रखना पड़ेगा उसके अंदर। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड द बेस ऑफ द बायोस्फीयर एकोमोडेटिंग द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें हमें बना के रखनी पड़ेगी सॉइल को काम में लेना है। तो इस बीच में दो ज्योग्राफी की डेफिनेशन है हमारे पास। ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के जो है उसकी एक्सप्लेन करना, उसको उसका डिस्क्रिप्शन देना, उसकी व्याख्या करना और एरिया वाइज उसको अलग अलग रूप में उसको देखना, ये बताया था रिचर्ड ने। और ज्योग्राफी स्टडी द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, कि ज्योग्राफी जो है वो क्या है, अलग अलग तरह के जो प्रभाव पड़ते हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनका जो प्रभाव पड़ा हुआ है, उनका जो रूप निकल के बाहर आता है, ठीक है, अलग अलग हिस्सों के अंदर, उन सब को मिला के हमने देखना है कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हिस्से हैं, उसके उसको अकॉर्डिंग कैसे हम उसको पढ़ते हैं, ये हेटनर ने दिया था। द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज इमर्जिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ एवेल्यूटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है कि हमें ये देखना है कि इवेल्यूएट कैसे करें इसको, उसको मैनेज कैसे करें नेचुरल रिसोर्सेज को। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट इट इज़ इंसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन बीइंग, फिर वापस वही बात है कि हम जब तक इंसान और नेचर के बीच में जो अंतर संबंध है, उनके जो इंटर रिलेशनशिप है, उसको नहीं समझेंगे तब तक हम फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट इनके ऊपर लगातार पड़ता जा रहा है। फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज, जैसे फिजिकल हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं और ह्यूमन बीइंग उसको यूटिलाइज करता है इन रिसोर्सेज को, और अपनी इकोनॉमिक और कल्चर डेवलपमेंट करता रहता है। एक्सीलरेट द पेस ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और अब ये जो यूटिलाइजेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का या फिजिकल एनवायरनमेंट का जो वो हमें दे रहा है, इस यूटिलाइजेशन को तेजी मिल गई है, तेजी से हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। किसकी हेल्प से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसको बढ़ाए जा रहे हैं, और ये चीज़ जो है हमारे क्या करी है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का कारण भी बन रही है वर्ल्ड के अंदर। जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट का, तो एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
और हमें इसको सही ढंग से यूज़ करना सीखना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को जो है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके लिए हम कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे, जब तक हम उसके लिए नहीं छोड़ के जाएंगे हमारे पास कुछ भी ये प्राप्त करने का, ये लेने का, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो सस्टेनेबल हो, यानी कि हमें भी मिले, हम भी उसको एंजॉय करें और आने वाली पीढ़ी को भी उसको पता हो, आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सकती हो। ठीक है, तो ये टोटल हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर था कि फर्स्ट कि ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी की दो ब्रांचेज होती हैं, एक फिज़िकल होती हैं, एक ह्यूमन ब्रांच है। ठीक है, इस साल हम पूरी 11th में फिज़िकल पढ़ेंगे, 12th के अंदर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।